नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब का पौधा है और इसके ऊपर मैंने पिछले साल दिसंबर के महीने में ग्राफ्टिंग की थी और कई तरह के फूल इसमें आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग के। और ग्राफ्टिंग जो है वो अलग अलग तरीके की थी, जैसे कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ्टिंग जो है ये इसको पैच ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ये पैच के रूप में लगाया जाता है। और ये जो ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं ये जो है टी बड के रूप में इसको तैयार किया गया। और इधर आप देख रहे हैं कि अभी नई ग्राफ्टिंग मैंने कर रखी है और ये सब की सब टी बड में है। और उसके साथ साथ ही अभी पिछले महीने यानी कि सितंबर के 10-11 तारीख को मैंने इन तीन ब्रांचेस पे अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग की थी और रिजल्ट्स आपके सामने है। ये देखिए, ये नई कॉम्पल निकल आई है और ये यहाँ ग्राफ्टिंग हुई है, इसमें फूल भी आ गया है और इधर भी नई कॉम्पल आ गई है और ये इसमें कॉम्पल आने को है। तो ये जो सारी ग्राफ्टिंग है इसको हम कंपोजिट ग्राफ्टिंग या कंपाउंड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसको कैसे किया जाता है, कौन सा इसके लिए बिल्कुल सही समय है और किस समय में जो है आपको काफ़ी मतलब मोर देन 90% रिजल्ट मिले, उसके बारे में बताऊंगा। और मेरा जो अगला वीडियो है उसमें आप पूरी तरह देख पाएंगे, मैं इसकी पूरी टेक्नोलॉजी बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं, ताकि कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो अपने घर में जो उसने गमले में गुलाब के पौधे लगाए हैं या उसने ज़मीन में लगा रखे हैं। तो मैं इसी के साथ मैं यहाँ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं और मेरे वीडियोस आप बड़े शौक से देखते हैं। पर इसके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियोस को आप देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आपको मुझे फ़ोन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद।